देश से बड़ी खबर आ रही है, जहां 6 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का वोटिंग जारी है। अब आपके सामने सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर लेकर सामने आ गए हैं। बता दें आपको, दमोह में 13.34% वोटिंग हो चुकी है। खजुराहो की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 13.44% वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर हम सतना की बात करें तो सतना में 13.59% वोटिंग हुआ है सुबह से। यह हम आपको सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर सामने लेकर आए हैं। रीवा में 13.27% मतदान हो चुका है। अगर हम बात नर्मदापुरम की करें, होशंगाबाद की करें, तो वहां 15.95% की वोटिंग हुई है। बता दें मध्य प्रदेश में 80 उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें परिणाम 4 जून को आने हैं। मध्य प्रदेश की आज 6 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से। और अब हम आपके सामने सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर लेके आ गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, अगर हम दमोह की बात करें मध्य प्रदेश की, तो 13.34% मतदान हो चुका है। वहीं खजुराहो में सुबह 9 बजे तक 13.44% वोटिंग हुई है। बात अगर हम सतना की करें तो सतना में 13.59% मतदान हुए हैं। वहीं आते हैं अब रीवा पे, जहां 13.27% मतदान हुए हैं। ये सुबह 9 बजे तक का हम आपको वोटिंग मीटर लेके आए हैं। अगर बात हम नर्मदापुरम पे करें, जिसका नाम पहले होशंगाबाद था, वहां भी सुबह 9 बजे तक मतदान हो चुके हैं 15.95%। सभी मतदान केंद्रों पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा की गई है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हम आपके टीवी स्क्रीन पर सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर लेकर आए हैं। बात अगर हम मध्य प्रदेश के दमोह की करें तो 13.34% मतदान हो चुके हैं। खजुराहो की करें तो सुबह 9 बजे तक 13.44% वोटिंग हुई है खजुराहो में। सतना की तरफ चले तो सतना में 13.59% मतदान हो चुके हैं। वही बात अगर हम रीवा की करें तो रीवा में 13.27% मतदान हुआ है। ये सुबह 9 बजे तक का मतदान का आंकड़ा है। नर्मदापुरम में 15.95% वोटिंग हो चुकी है अब तक। बता दें मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 80 उम्मीदवार हैं, जिनका भविष्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा।